घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने उद्गार प्रकट करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। श्री अडवाणी जी, श्री राजनाथ जी, श्री वेंकैया नायडू जी, श्री जसवंत सिंह जी, श्री अरुण जेटली जी और आज इस घोषणा पत्र के लोकार्पण के समय पधारे हुए सभी बहनों भाइयों, पत्रकार मित्रों, आपके सामने ये घोषणा पत्र प्रस्तुत। घोषणा पत्र एक महान, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, प्रगतिशील और पूर्णतः सुरक्षित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हमारे नेता श्री अडवाणी जी होंगे, इसके लिए भी ये घोषणा पत्र निर्विवाद रूप से आपके समक्ष उनको फिर से प्रस्तुत करता है। इस घोषणा पत्र में जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, हमने सभी पक्षों का ध्यान दिया है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा परिदृश्य था। करीब करीब 800 या 900 के लगभग हमारे पास देश भर से सुझाव आए थे। अनेक संस्थाओं ने अपने प्रतिनिधिमंडल हमारे पास भेजे थे, आर्थिक संस्थाओं से, औद्योगिक संस्थाओं से, शैक्षिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ किसानों के संगठन, सहकारिता के संगठन, महिलाओं के संगठन, युवाओं के संगठन, खिलाड़ियों के संगठन, वैज्ञानिकों की टोली, इन सबके साथ हम लोगों ने विचार विमर्श किया और उसके सार के रूप में जो कुछ ये लगा कि देश को वर्तमान समय में आवश्यक है और जो किया जा सकता है, जिसको क्रियान्वित किया जा सकता है, उसका समावेश इस घोषणा पत्र में किया गया है। और यह भी ध्यान रखा गया है कि यह घोषणा पत्र जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और उसका दार्शनिक आधार है एकात्म मानववाद का, उसका भी समावेश इस घोषणा पत्र में किया गया है। बहुत सी बातें इसके बारे में श्री रविशंकर जी ने आपको बताई। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हमने इसमें अपनी नाभिकीय नीति का भी उल्लेख किया है और उसमें इस बात को भी बताया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी संधियां होंगी जिनका असर भारत की प्रतिरक्षा पर या अर्थव्यवस्था पर या सार्वभौमिकता पर पड़ता है, वो बिना संसद की मंजूरी के उस पर कोई सरकार हस्ताक्षर नहीं कर सकेगी और इसके लिए जो भी आवश्यक कानून बनाना होगा या संविधान में संशोधन करना होगा वो भी पार्टी बिना किसी संकोच के करेगी और इसके बारे में सभी पार्टियों से राय मशवरा भी करेगी। देश की सुरक्षा और देश के नाभिकीय कार्यक्रम के लिए आवश्यक है। थोरियम की जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम पूरी गंभीरता से विचार करेंगे, उसे तेजी से बढ़ाएंगे और अपने नाभिकीय कार्यक्रम में हम अपने सभी विकल्प खुले रखेंगे और जो भी देश के लिए एक बिल्कुल विश्वसनीय न्यूनतम आवश्यकता होगी देश की प्रतिरक्षा के लिए नाभिकीय कार्यक्रम की, उतना हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रकार के संकोच के बराबर रखेंगे अपने सामने और उसका पालन करेंगे। किसानों के बारे में बात बताते समय भी इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम किसानों को एक सुनिश्चित आय की गारंटी देंगे, अर्थात हरेक किसान को एक न्यूनतम आय अवश्य मिले, इसके बारे में भी ये हमारा संविधान, हमारा जो ये एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, हाँ वो उसका उसकी जो विधि होगी वो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग और उत्पादन कितना हुआ उसके आंकड़े निकाल करके होंगे, वो विधि तो विस्तार से लिखी है, परंतु मुख्य बात यह है कि हर किसान को एक सुनिश्चित आय की गारंटी हो ताकि वो खेती के लिए हाँ और उसको ऋण मुक्त कराएंगे। हमारा उद्देश्य है कि ऋण मुक्त किसान और इसी के साथ साथ खाद्य वाले में हमने बताया है भूख मुक्त हिंदुस्तान, कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में भूखा न रहे, उसके लिए उन्होंने विस्तार से जो वितरण प्रणाली है वो भी बताई है, लेकिन उत्पादन और उत्पादन में आत्मनिर्भरता उसके बारे में भी हमारा जबरदस्त उल्लेख है। इसी प्रकार से जो छोटा व्यापारी है, रिटेल ट्रेडर, वो इस देश में सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कृषि के बाद और इसलिए उसको हम तमाम ऐसे सेफगार्ड देंगे जिससे छोटे और लघु व्यापारी जो हैं, जो टाइनी व्यापारी हैं,
वो सब भी अपना जीवन ठीक से चला सकें, उनको आधुनिक बनाने के लिए उनके व्यापार की तरीकों में कुछ सुधार हो उसके लिए भी हम उनकी मदद करेंगे, ताकि हमारे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। और इसके लिए उनका एक वेलफेयर स्कीम्स उनके लिए भी हो, इसके बारे में भी एक टास्क फोर्स बनाएंगे। श्रमिकों के बारे में भी हमने इसके बारे में बहुत विस्तार से कहा है, और एक वर्कर्स बैंक को स्थापित करने की बात कही है, जो कि बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स जो श्रमिकों के हैं उसकी तरफ ध्यान देगा। ये शायद अभी तक किसी और ने इस बारे में सोचा नहीं है। इसी तरह से युवकों के बारे में कहते हुए एक नेशनल स्टूडेंट बैंक की भी हम स्थापना करेंगे, जो छात्रों को 4% इंटरेस्ट के ऊपर शिक्षा संबंधी ऋण देगा। आगे जो शिक्षा के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया, लेकिन हम वोकेशनल एजुकेशन को बहुत महत्व देंगे, ताकि देश में जो स्किल है, जो हुनर है, उसका विस्तार हो, और ऐसे तमाम लोगों के लिए वो नौकरियों के योग्य, धंधों के योग्य बन सकें, उसके लिए भी विशेष प्रमाणीकरण की एक व्यवस्था करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे हो सके, उस तरफ पूरा ध्यान है। रैगिंग आजकल एक बहुत ऐसी समस्या है कि जिससे अनेक विद्यालय और टेक्निकल विद्यालय और मेडिकल विद्यालय परेशान है, उसके बारे में हम एक सख्त कानून बनाएंगे, और तमाम रैगिंग के केसेस वो फास्ट ट्रैक कोर्स में डील होंगे, और उसके द्वारा हम इसे पूरे तौर पर बंद करेंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है समाज के अंदर विकास के लिए और समाज की प्रगति के लिए। हम सुपर कंप्यूटर के युग में भारत को ले जाएंगे, उसमें अधिकाधिक विकास करेंगे। आपको ये शायद मालूम है कि अनेक देशों को हमने सुपर कंप्यूटर्स दिए हैं। चंद्रयान के बारे में हमने ये कहा है कि पहला भारतीय जो चंद्रमा पर अपने चरण रखेगा, उस मिशन को हम 5 साल के अंदर पूरा करके दिखाएंगे। ये ध्यान देने की बात है कि मिशन टू मून ये श्री वाजपेयी जी की सरकार के समय ही शुरू किया गया था, और उसी का नतीजा यह है कि अभी हम चंद्रमा पर अपना यान उतार सके। अब हमारा अभियान होगा कि हम चंद्रमा पर भारतीय मानव को पहुंचा सकें, और इस तरह से हम विज्ञान को जीवन का स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने के लिए, और वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिक दृष्टि से भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे, और उसमें बहुत लंबे विस्तार में हमने सारे चरण दिए हैं। और ये भी कहा है कि ये जो साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी है, इसमें हर 5 साल के अंदर काफी परिवर्तन होते रहते हैं, तो पिछली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी थी उसको हम अधुनातन बनाएंगे, बिल्कुल आधुनिक युग के अनुसार और आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाएंगे।